हेलो फ्रेंड्स, जो लोग दिल की बीमारियों से और हाई कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो ऐसे लोगों के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इनमें से एक खाने का तेल भी है। आज इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ों को और हार्ट वाले मरीज़ों को खाने में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए जो इनकी हार्ट हेल्थ पर और कोलेस्ट्रॉल पर बुरा असर नहीं डालते, इनके बारे में बात करेंगे। और जो लोग दिल की बीमारियों से और हाई कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं तो ऐसे लोग भी वीडियो को पूरा आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको बार बार मिल सकें। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करने के लिए हमारी डेली डाइट में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि हम रोज़ाना हमारे खाने की चीज़ों को जिन ऑयल्स में बनाते हैं इन ऑयल्स का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ तरह के कुकिंग ऑयल हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए हमें ऐसे ऑयल्स को छोड़कर इन ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने की बजाय कम करने में मदद करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए खाना सूरजमुखी के तेल में यानी सनफ्लावर ऑयल में पकाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इस तेल में कम मात्रा में सैचुरेटेड फैट और ज़्यादा मात्रा में अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो हमारी बॉडी में LDL यानी ख़राब कोलेस्ट्रॉल और ड्राई ग्लिसराइड के लेवल को बढ़ने से रोके रखता है। हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमारी डाइट में चिया सीड का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके तेल में एक ख़ास बात यह होती है कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने नहीं देता और इसी के साथ साथ हमारी हार्ट हेल्थ को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या दिल की कोई बीमारी है तो ऐसे लोगों में चिया सीड ऑयल भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, क्योंकि इसका रंग, खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसी वजह से दिल की बीमारियों के मरीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को हेल्थ एक्सपर्ट ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, इसे ज़रूर देखें। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ों के लिए मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद हो सकता है। मूंगफली के तेल में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कई गुण पाए जाते हैं और इसे घर में रोज़ाना खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करने से हमारी खून की नालियों में ख़राब कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो पाता। कई स्टडीज़ में ये बात सामने आई है कि तिल का तेल इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। ऐसे में अगर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या ऐसे लोग जिनको कोई दिल की बीमारी है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपना खाना पकाने के लिए तिल का तेल इस्तेमाल करें। इससे हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहेगी और कोलेस्ट्रॉल भी कम रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।